गाइस, दिस इज आकिम नदीम, यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल एंड खान। आई एम बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अभी मैं जा रहा था एक छोटी सी ट्रिप के लिए। इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा क्लेरिफिकेशन आपको दे देना चाहता हूँ अपने पिछले व्लॉग के रिगार्ड। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया हुआ था कि दारुसलाम पब्लिकेशंस वाले जो है बहुत ही महंगी जो है बुक्स देते हैं। मतलब मैंने बोला हुआ था कि बहुत महंगा पड़ा वो कैलीग्राफी के चार्जेस कर ले। ये इतना अच्छा जो कैलीग्राफी देख रहे हैं ना, इसी का सारा पैसा ले लेते हैं दारुसलाम वाले। अब ज्यादा मैं रोस्ट नहीं करना चाहूंगा, बट हाँ बहुत महंगा देते हैं दारुसलाम पब्लिकेशंस वाले बुक जो है बहुत महंगा देते हैं। बट वो मैंने मतलब एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी, क्योंकि मैंने जो बुक मंगाई थी ना वो थर्ड पार्टी की तरफ से मंगाई थी। तो मैंने उसको अमेजोन के थ्रू ऑर्डर किया हुआ था, तो अमेजोन वाले ऑलरेडी उसमें एजेंट चार्जेस जो है वो ऐड कर लेते हैं। वो जो बुक स्टोर था बिस्मिल्ला बुक स्टोर करके था, तो वो लोग अपने ऑलरेडी चार्जेस ऐड करके उसके बाद दारुसलाम वाले जो ओरिजिनल प्राइस रखते हैं उससे और महंगा पड़ जाता। अगर मैंने दारुसलाम की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर की होती वो बुक तो शायद मुझे वो और सस्ती पड़ती, बट नहीं किया तो मुझे महंगी पड़ गई। तो मैंने वो एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन दे दिया कि दारुसलाम वाले जो है महंगा बुक्स देते हैं। आई रियली फील सॉरी फॉर इट, आई मेड अ ब्लंडर। मेरे वजह से किसी पर तोहमत नहीं लगनी चाहिए, तो मैंने उसको क्लेरिफाई कर दिया। फिलहाल मैं अभी आया था अपने दोस्त के साथ, अभी सुबह के 8:30 या 9 बज रहे थे, बस ऐसे ही चाय पीने के लिए निकला था। बहुत दिन हो गए थे निकले, तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। आज तो यहाँ बहुत दिन बाद तो धूप निकली, मतलब 2 या 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। कल हल्की सी धूप निकली थी, आज अच्छे से धूप निकल गई। अभी लगभग 9 या 8:30 बज रहे हैं और अच्छी खासी धूप आ चुकी है। अब देख सकते हैं फिलहाल चाय अभी पक रही है और इधर लोग इंतजार करते हुए। क्या हुआ, बन रही है? अभी मिलिए मेरे मित्र जेपी से, श्री श्री जेपी। कोई जगह बताओ कहाँ निकला जाए ट्रिप ट्रिप पे, कौन सी जगह थी यार? इधर से कोई पहाड़ी इलाका है इधर नजदीक में, नेपाल। हम लोग नेपाल ही निकल लेते हैं, पहला ही ट्रिप इंटरनेशनल ट्रिप बन जाएगा, सस्ता इंटरनेशनल ट्रिप होगा नेपाल। अच्छी लोकेशन है वहाँ पे भी घूमने फिरने के लिए। एक मिनट, अपनी चाय भी आ चुकी है, अभी चाय पीते हैं अपनी। नाइस। अच्छा ये पका के लाल नहीं करता है, ये चाय पी के मुझे कहानी आता है। ये जो दुकान है ना, ये दुकान पहले बांसी की बहुत पॉपुलर दुकान थी। बांसी नहीं, बांसी से थोड़ा आउटर एरिया में पड़ता है, बट चलते 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 इसके कंपटीशन में जितनी दुकानें खुली थी वो सब चलने लगी और एक कम हो गई। चल ये पका के लाल नहीं करता है, खत्म करके बात करते हैं। समाप्त हो चुकी है, मतलब 2 किलोमीटर की एरिया में पूरा है। थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो खत्म हो जाता है, कब का पीछे छूट गया। ये कौन सा जगह है? सुनखर के एरिया में आ चुके। इतना छोटा सा कस्बा है कि ऐसे 2 कदम बाहर निकालो तो दूसरा कस्बा आ जाता है। वन मोर क्लैरिफिकेशन, आई डोंट प्रमोट म्यूजिक। मैं खुद म्यूजिक नहीं सुनता, मगर अगर कोई सुनता है तो मैं उसको रोकता टोकता नहीं, क्योंकि भाई सबकी अपनी अपनी जिंदगी, मेरे प्रिंसिपल्स मेरे रूल्स मुझ पर अप्लाई होते हैं। दिस व्हाट अल्लाह सेज इन द कुरान, ला इकरा फिद्दीन, देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन। आई थॉट आई शुड गिव अ क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग म्यूजिक। आई डोंट प्रमोट म्यूजिक, आई कैन पीसफुली आस्क हिम नॉट टू लिसन टू म्यूजिक, आई कैन टेल हिम द डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूजिक, बट आई कांट फोर्स हिम टू स्टॉप लिसनिंग टू इट। एक नया ढाबा आए, चाय का मतलब टपरी। आज चाय टपरी टेस्टिंग दिवस है, आज हम अलग अलग जगह पर जाकर चाय की टेस्ट करेंगे, उनको फिर स्कोर देंगे कौन सी चाय को कितना स्कोर मिलता है। पिछले वाली चाय को मैं 10 में से 8 देना चाहूंगा, अब इसको ट्राई करते देखते कैसी है। शुक्रिया चाचा। खैर बातों बातों में हमारी चाय आ चुकी है, अभी मैं टेस्ट करेंगे इसे और बताते हैं कैसी है। 10 में से इसे मैं 8 ही देना चाहूंगा, क्योंकि ये भी वैसे ही लगभग कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है इसमें। नमक मिर्च तेल मसाला चीनी थोड़ी ज्यादा है बस, बाकी चाय तो वैसी ही है लगभग जैसी थी पहले। फिलहाल निकलते हैं थोड़ा बाहर। देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन वाली धूप है आज। जब मुद्दतों के बाद धूप निकलती है ना तो उस धूप की कदर ही कुछ और होती है, उसमें खड़े होकर चाय पीना ठंड के मौसम में। आहा, ओ माय गॉड। अरे गाड़ी धुलवानी पड़ेगी, बहुत गंदी हो चुकी है। कहाँ लेकर गए थे? तभी तो चाय पीकर पिलाकर हो चुका, अभी हम जा रहे हैं। मुझे नहीं पता आवाज कैसी आ रही, क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाया हुआ। गाड़ी के अंदर तो माइक की जरूरत नहीं पड़ती एक्सटर्नल, मगर अंदर जरूरत पड़ती है। बाहर जरूरत पड़ती है, अंदर नहीं जरूरत पड़ती। तो वापस मैं अंदर आ गया तो माइक नहीं लगाया। मैं सोच रहा हूँ अपने चैनल पे एक नया सीरीज स्टार्ट करने के लिए, वो कॉमेडी वीडियो से रिलेटेड रहेगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कीप इट इन द सेक्शन ऑफ हलाल कंटेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं छोटा सा कुत्ते का बच्चा
सड़क के बीच में आके लोगों को परेशान करते हुए कैमरामैन एन खान के साथ रिपोर्टर एन खान मिलते हैं नए रिपोर्ट में। पहुंच गए अपने ठिकाने। अब मुझे एक्सटर्नल माइक की ज़रूरत पड़ेगी। आई थिंक मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था, ये चंगेरा पैलेस है, ये राजा चंगेरा जो है उनका ये पैलेस था। फिलहाल तो यहाँ पे सब रेंट कर दिया गया, LIC वाले हैं तो कोई इंस्टीट्यूट है स्मिट। जा रहे घर पे, कार खड़ी कर दे। ये साढ़े प्रादी BMW 310। What I love about this bike is the seating arrangement. The seat is very comfortable. The rider, the pillion both. मतलब 7-8 महीने पहले जब इसने लिया था तब से, मतलब एक बार मैंने चलाए थे, टॉर्क पावर सब कुछ परफेक्ट है। I discovered a whole new angle. अपने घर हम वापस आ चुके हैं, चलते हैं फिर। ठीक है, Now it's time to end this vlog. खलास। गाइस आज फ्राइडे का दिन है तो मैं जल्दी से आपके साथ दो हदीसें शेयर करना चाहता हूँ। पहली हदीस ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई इंसान बालिग हो जाता है तो उसके ऊपर वाजिब हो जाता है जुमे के दिन गुस्ल करना। वैसे तो हर दिन आपको गुस्ल करना जरूरी है मगर फ्राइडे के दिन तो वाजिब है, आपको करना ही करना अगर आप बालिग हो गए हो तो। जाओ नहाओ, इतने दिन से ठंड में जो बैठे हुए आज जाकर नहा ही लो। और दूसरी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम खुतबा दे फ्राइडे के दिन तो उस खुतबे के वक्त कोई भी शोर शराबा मत करो, अटेंटिवली उसको सुनो। हदीस में आता है कि अगर तुम्हारा दोस्त भी तुमसे कोई बात करता है तो उसे चुप होने के लिए मत बोलो, वरना उधर तुम बोले हे भाई चुप हो जाओ, उधर से कहे क्यों चुप हो जाओ, इसमें बात बढ़ जाएगी आगे, उससे बेहतर है तुम चुप। सो यही दो हदीस मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था, इस पर अमल कीजिएगा और मुझे भी अपने साथ में सवाब जब कमाइएगा तो मुझे भी उसका हकदार बनाइएगा इंशाल्लाह। और हाँ, जब जुमे का खुतबा खत्म हो जाए ना तो अपने दोस्त को जरूर बताएगा, अरे बगैरत इंसान खुतबे के वक्त बात नहीं करता, और उसको हदीस दिखाइएगा अपने फोन में स्क्रीनशॉट लेकर। नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग। खलास।